हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9B लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सॉल्व व्हिच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। लेट आई फर्स्ट विल टेक एग्जांपल नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 x minus 2 is equal to minus 5। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि वेरिएबल को एक तरफ लिखते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ x है और कांस्टेंट माइनस फाइव है और ये माइनस टू है, तो माइनस टू को हम लोग राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, मींस ट्रांसफर कर देंगे। Then it will be equal to x equal to minus 5, और minus 2 को जब हम left hand side से right hand side में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, means it will be plus 2। left hand side से right hand side लाएंगे तो या right hand side से left hand side ले जाएंगे तो किसी भी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 3। माइनस फाइव प्लस टू इक्वल टू माइनस 3। अब हम x की वैल्यू आ गई, इसको वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग x माइनस 2, x की वैल्यू हमारी कितनी है ये माइनस 3, इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस 3 एंड माइनस 2 इट इज इक्वल टू माइनस 5, और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 5 है। देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड मींस अलजेब्रा में हम लोग आंसर अपने से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है जो हम सॉल्व किए वो सही है कि नहीं है। जो हमारी वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर राइट हैंड साइड आ जाएगा और राइट हैंड साइड में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा या दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। सो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर नाइन और एट भी ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर एट 3x upon 5 is equal to 15। यहां अपान है, हम लोग 15 का भी अपान वन कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 3x का 1 में और 5 का 75 में, मीन्स 3x into 1 is equal to 15 इंटू 5, तो 3x में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही होगा, सो इट इज इक्वल टू 3x और 15 में 5 करेंगे बाद में कर लेंगे हम लोग 15 इंटू 5। देयरफॉर x इक्वल टू, अब ये 3 इंटू है इसलिए इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, बीच में x और 3 के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इंटू है मीन्स 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ है, सो 15 इंटू 5 अपन 3 5 15, therefore x equal to 5 to 5 का मल्टीप्लाई होगा 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं इसको, LHS equal to 3x upon 5, 3 into 25 upon 5, 5 5 क्या 25, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 15 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ इट इज वेरीफाइड। टेक सम अदर प्रॉब्लम,
चलिए थोड़ा हम लोग बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। एक्स अपान टू इज इक्वल टू एक्स अपान थ्री प्लस वन। देखें, मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला था कि वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे। आप देख रहे हैं x अपॉन 2 की वेरिएबल है, x अपॉन 3 की वेरिएबल है, तो हम x अपॉन 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। सो इट इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस, यहां प्लस है, ट्रांसपोज होगा, इससे साइन चेंज हो गई, इट विल बी इक्वल टू x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3, 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x। सिमिलरली 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड इट इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 2x करेंगे x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 6, मींस हमारी x वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रखकर वेरीफाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x अपॉन 2, x की वैल्यू आई 6, देन 6 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड साइड में करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1, x की वैल्यू है 6, 6 अपॉन 3 प्लस 1, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, means 2 plus 1 is equal to 3, therefore left hand side is equal to right hand side, verified। तो इस तरह से जैसे हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने के बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। एक और प्रॉब्लम और लेते हैं, सपोज के लिए हम लोग 21 ले रहे हैं, 21, 22 कोई भी दे सकते हैं, 22 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू एम अपॉन 3 प्लस 8 इट इज इक्वल टू एम अपॉन 2 माइनस 1। इसमें भी हम लोग वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे। देखिए एम अपॉन 2 वेरिएबल है, 2 एम अपॉन 3 है, 8 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो एम अपॉन 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और 8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2 एम अपॉन 3 माइनस एम अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 8। बाई टेकिंग एलसीएम 3 एंड 2 इट विल बी 6, सो 6 इज डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 2 एंड 2 टू 4 4 एम एंड इफ यू डिवाइड 6 बाई 2 देन यू विल गेट 3, इट विल बी इक्वल टू 3 एम एंड इट इज इक्वल टू माइनस 7। 4 एम माइनस 3 एम इट इज इक्वल टू, now by cross multiplication it will be 4m minus 3m it is equal to minus 42, so 4m minus 3m is equal to m is equal to 42, now value of m equal to minus 42 means m की value minus 42 निकल गई। अब हम इसको left hand side और right hand side में रख के चेक करते हैं, left hand side is equal to 2m upon 3 plus 8 and now 2 into m equal to minus 42 upon 3 plus 8, 3 से ये चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 14, 14 टू जा माइनस 28 प्लस 8, अब ये ऐड नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 20। नाउ टेक राइट हैंड साइड,
and it will be m upon 2 minus 1, m equal to minus 42, minus 42 upon 2 is equal to minus 1. Yes, 21, and it is equal to minus 21, minus 1 equal to minus 22. So I am looking at the left hand side, right hand side equal. नहीं है कि means कहीं ना कहीं हमारा गलत है. चाहे यहाँ गलत है वो गलत है. Check करते हैं question तो सही है. Yes, 2m upon 3 equal to m upon 2 minus 1 minus 8. Check कर रहे हैं हम लोग. 6, 2 2 जा 4, m and 6, 7 जा 42, ये तो सही है, m की वैल्यू तो सही है, फिर 2m upon 3, 42 जा 28 plus 20, m की वैल्यू 42 minus 21 आएगा, तो minus 22 ही हो रहा है, तो means कहीं ना कहीं गलत है, कहाँ गलत है? यहाँ गलत, यहाँ minus 8 और minus 1, minus 9 होगा सर, यहीं से गलती हम लोग की स्टार्ट हुई, 9 7 9 6 54, ये 54, m की वैल्यू होगी 54. यहां मल्टीप्लीकेशन में गलत था, ये 54, 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18, नाउ इट इज माइनस 36 प्लस 8, और 36 में 8 अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 28. अब यहां वैल्यू पुट करिए, माइनस 54 इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 27 ये हो जाएगा माइनस 27 माइनस 1 माइनस 28. नाउ देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड. देखिए यहां मेरा गलत हुआ, मल्टीप्लीकेशन मेरा गलत हुआ, मैंने इसको 7 कर दिया तो ये पूरा का पूरा गलत हो गया, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा था, तो ये गलती हुई, तो इसलिए हम लोग को एक सीख मिली कि अगर हमारा गलत हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है देन आवर सोल्यूशन इज इनकरेक्ट, मतलब हमारा सोल्यूशन जो है करेक्ट नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. सो आई थिंक एंड आई होप यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज 9B. And if you have any problem, then you may ask me. Thank you.